ओके सो वीक थ्री डे वन वी आर हाफ वे थ्रू दिस मंथ सो ओके लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आज का क्या दिया है हमको सो मैचिक्स टू स्क्वेयेर सो इधर हमको बेसिकली एक इंटीजर एडर दिया है जिसमें मैचस्टिक्स मैचस्टिक्स uh, नाम का जिसमें हर जो वैल्यू uh, है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द आई एथ मैचस्टिक्स हमको बेसिकली वी नीड टू यूज़ ऑल द मैच स्टिक्स एंड उनसे हमको एक स्क्वेयर बनाना है हम कोई भी स्टिक को तोड़ नहीं सकते लेकिन हम ऐसे uh, जोड़ सकते हैं एंड we need to basically uh, use each matchstick stick only match stick only once and we need to true if we can make us a uh, return true if we, if we can make a square nahi to humko false return karna so jisse maan lo agar matchstick stick hai 1 1 2 2 two length ki so basically ye 1 aur 1 ko combine kar denge hum to 2 ban jayega idhar bhi 2 idhar bhi 2 idhar bhi 2 तो हम बना सकते हैं एक square अब अगर matchstick स्टिक है थ्री 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 फोर तो ऑब्वियसली हम इससे तो कभी भी बना ही नहीं सकते हैं स्क्वायर uh, बिकॉज अगर चार साइड हम थ्री की ले, ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा बच जाएगी फोर प्लस थ्री अगर ले, ले लेते हैं देन बाकी के थ्री है तो इक्वल साइड नहीं होगी तो इससे तो नहीं बनेगा सो so, इसके पीछे का एक अप्रोच देख लेते हैं सो so, मान लो जैसे हमको ये रे दिया हुआ मैच स्टिक का जिसमें चार वन है फिर दो दो है देन थ्री वन देन अगेन फोर सो so, इससे हम बना सकते हैं स्क्वायर सो बेसिकली वॉट वी कैन नोटिस here इज दैट बेसिकली कंडीशन एक क्या होगी एक कंडीशन है कि जो भी चारों साइड का स्क्वायर बनाने के लिए हमको चारों साइड बेसिकली जो पेरीमीटर है दैट शुड बी डिविजिबल बाई फोर राइट सो perimeter शुड बी डिविजिबल बाई फोर फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये आ जाती है सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि हर साइड इक्वल होनी चाहिए सिर्फ पेरामीटर डिविजिबल बाई फोर नहीं होना चाहिए ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है सम की जो डिविजिबल बाई फोर हो लेकिन कांट मेक अ स्क्वायर सो हमको बेसिकली ऐसा करना है कि uh, सारे साइड्स भी इक्वल होने चाहिए सो वी नीड टू चेक इफ ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट सो वी नीड टू चेक ऑल साइड्स आर इक्वल नॉट सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू चेक सो इसमें एक बैक ट्रैकिंग का अप्रोच लगेगा uh, तो हम बेसिकली क्या करेंगे हम हर एक वैल्यू लेंगे और उसके लिए चेक करेंगे कि ये वैल्यू इस साइड में जा सकती है कि नहीं बेसिकली हम चार साइड्स ले लेंगे सो इफ यू आर स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्राम ज़ीरोली एक फर्स्ट नोट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हमारा जो आई अगर इधर है अभी ज़ीरो पे सो so, इफ हमारा जो साइड इफ इट बिलोंग्स टू द साइड ज़ीरो और इफ़ बेसिकली दिस वैल्यू बिलोंग्स टू साइड वन और इट बिलोंग्स टू साइड टू और इट बिलोंग्स टू साइड थ्री सो बेसिकली अगर ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास एस ज़ीरो एस वन एस टू एस थ्री सो मान लो इसको एस ज़ीरो ले लेते हैं आ, इसको एस टू इसको एस थ्री इसको एस फोर सो अगर एस ज़ीरो में है सो बेसिकली इनिशियली लेट्स अज्यूम दैट ऑल ऑफ ऑल ऑफ़ द साइड्स आर इक्वल्स टू पैरिमीटर डिवाइड बाय फोर सो इन दिस केस ऑल लेट्स एज्यूम ऑल द साइड्स आर इक्वल टू फोर सो एस वन एस टू एस थ्री एस फोर ऑल आर डिजिबल बाई फोर ऑल आर इक्वल टू फोर सो अगर हम ये वाली साइड ले लेते हैं तो ये थ्री हो जाएगा इस केस में अगर हम इसमें दे लेते हैं तो ये थ्री हो जाएगा अगेन इस में भी थ्री इसमें भी थ्री नाव नेक्स्ट uh, हम सिमिलरली इसके लिए चार वैल्यूज देख लेंगे कि भाई जो ये वाला आई है uh, वो कौन से साइड में हो सकता है सिमिलरली इसके लिए भी चार ऐसे करते करते uh, सब के लिए चार वैल्यूज होगी अनटिल एंड एंडलेस अगर हमारी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है अगर हमारा जो भी साइड की वैल्यू सब थी वो सब ज़ीरो हो जाती है एंड दैट इज़ व्हेन जब हमारा आई एकदम लास्ट में पहुंच चुका उसके बाद में काउंटिंग ऑल द वैल्यूज़ तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक स्क्वायर है बिकॉज़ हमारे जितने भी फोर के वैल्यूज थी वो समाओ एग्जॉस्ट हो गई है कौन से कॉम्बिनेशन से वो नहीं पता लेकिन कोई एक भी कॉम्बिनेशन अगर हमको ऐसा मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक स्क्वायर है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प मेरे ख्याल से तो ये हार्ड प्रॉब्लम होना चाहिए था बट दिस इज़ अ मीडियम प्रॉब्लम ओनली लीड कोड सो फटाफट इसको कोड कर लेते हैं सो so, सबसे पहले तो चार साइड्स होने चाहिए राइट तो अगर एरे का लेंथ ही चार से कम है तो फिर तो चलेगा नहीं सो इफ द मैच इफ मैच डॉट लेंथ इज लेस देन फोर तो डेफिनेटली स्क्वेयर नहीं बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे पूरे yeah, so एरे का So for in, in match stick in match sticks um sum metaling matchstick and perimeter uh, I mean side ka jolenthoga that would be equal to some by four so also we need to check सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि पेरीमीटर डिवाइड बाय फोर जीरो होना चाहिए मतलब बेसिकली इट शुड बी डिविजिबल बाय फोर सो इफ सम परसेंटेज फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो स्क्वायर तो नहीं बनेगा रिटर्न इट नहीं तो हम हमारा हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसमें बेसिकली होगी आई आई I मीन mean, आई की वैल्यू होगी हमारा मैच स्टिक्स एरे होगा एंड हमारा बेसिकली uh, चार हमने साइड्स लिए राइट वन टू थ्री फोर चार स्क्वा के सो so, हम एक नया एय डाल देंगे इसमें हर साइड का लेंथ वुड भी अराउंड ये जो हमने साइड की लेंथ निकाली दैट इज़ सम बाई फोर सो बेसिकली ये चीज़ का हम एक एरे बना दे रहे हैं Uh, इसका जो भी आंसर आएगा सो फर्स्ट कंडीशन तो मानी जाएगा होगी सेकंड कंडीशन हम यहाँ से चेक कर लेंगे अगर इसका आंसर ट्रू है देन इट इज़ अ स्क्वेयर एल्स इट्स इट इज़ नॉट अ स्क्वायर सो लेट्स मेक द फंक्शन पब्लिक हेल्पर प्रिंट आई अभी हमारे पास इस केस में आई जीरो है इंट मैच स्टिक्स एंड दैट्स एन एरे एंड इंट साइड्स ना अब हमको पहले बेस केस चेक करना है बेस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा आई जो है वो मैच स्टिक्स के लाइंथ तो पहुंच गया यानी बेसिकली हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए अब सब एलिमेंट्स देखने के बाद में आ, क्या हमारे सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई है सिर्फ साइड ज़ीरो जीरो एंड साइड्स वन न डू दिसो मेरे को ये थोड़ा रिडेबिलिटी में ईजी लग रहा था इसको मैंने इसको ऐसे लिख दिया है सारी अगर जीरो हो चुकी है तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है एंड ऐसा नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे अब अगर मैच स्टिक के लेंथ के बराबर नहीं है तो हमको क्या करना है हमको बेसिकली हर आई के वैल्यू के लिए चार ऑप्शन चेक करने की वही वो साइड वन में गई या साइड टू में या साइड थ्री में या साइड फोर में तो क्या होगा सो so, फोर j फॉर जीरो जे इज लेस देन फोर जे प्लस प्लस सो पहले तो हमको चेक कर लेना है कि जो हम वैल्यू चेक कर रहे हैं मैथिक्स की उसकी अगर लेंथ है हमारे साइज वाली वैल्यू मैच टेक साइज वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा वो इसलिए बिकॉज हम इसको यहाँ पे कंज्यूम करेंगे सो so, हमारा साइज जे जो है जो पहले फोर था उसमें से हम इसको निकाल देंगे तो इसको हमने निकाल दिया बेसिकली हमने अगर ये जे की वाले ज़ीरो है तो हमने फर्स्ट में Uh, ये वाले जो आई ये थे मैथिक पे हम थे उसको असाइन कर दिया तो बेसिकली इसको हमने इस पर असाइन कर दिया तो फोर माइनस वन वुड बी इक्वल टू थ्री बट अगर यहाँ पे मान लो फाइव होता तो हम इसमें नहीं असाइन कर सकते थे वो बिकॉज फोर माइनस फाइव दिन नेगेटिव हो जाता सो दैट्स नॉट पॉसिबल तो हमने उसका एक ध्यान uh, दे दिया नाउ वी नीड टू कॉल आर हेल्पर अगेन अगेन इसमें हमारा आई प्लस वन हो जाएगा मैच एक तो मतलब बेसिकली हमने इसमें कंज्यूम कर दिया तो अब आगे uh, बढ़ेंगे हम फॉर सेकेंड आई ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी एंड um, हमारा जो साइड्स है जो हमने चेंज कर दिया वो सो दिस इज फॉर एवरी जे वी आर डूइंग दिस फॉर एवरी जे सो so, पहले हमने साइड uh, ज़ीरो में असाइन कर दिया ये वैल्यू फिर उसके लिए uh, हमने कॉल कर दिया कि भाई ओके फर्स्ट वैल्यू हमने साइड uh, ज़ीरो में असाइन कर दी अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए बताओ सिमिलरली हम ऐसा ही चेक करेंगे कि जब जे वन हो जाएगा तो फर्स्ट तो हम फर्स्ट वैल्यू हम साइड वन में असाइन कर देंगे उसके बाद में फिर हम सेकेंड वैल्यू देखेंगे तो so, बेसिकली ये जो हमने यहाँ पर चीज़ करी वो हम करेंगे इन दिस कॉल ना आफ्टर दिस एज वी आर बैक ट्रैकिंग तो हमको वापस जो भी हमारी सिचुएशन थी जो भी हमने चेंजेस करे थे उसको रिवर्ट करना है फॉर द नेक्स्ट इटरेशन सो दिस विल बिकम हम वापस वो ऐड कर देंगे जो वाली उन्होंने सब ट्रैक करी थी इसमें um, yeah, अब हमको बेसिकली ये चेक करना है कि हम जब ये कॉम्बिनेशन कॉल कर रहे हैं तो uh, बेसिकली इसमें हमको मिला क्या आंसर हमारा कि ये वैल्यू हमारी इक्वल हुई क्या मतलब इससे हमको ट्रू रिटर्न हुआ क्या अगर हमको ट्रू रिटर्न हुआ तो हम आगे कुछ चेक नहीं करेंगे हम सीधा यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे वरना हमको आगे चेक करना ही पड़ेगा और अगर ये सब करने के बाद भी हमको ट्रू नहीं मिल रहा है तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इसका स्क्वायर बने तो विल रिटर्न फॉल्स सो आई गेस दिस शुड वर्क ओके Rookie okay, mistake, anything else? Okay, public boolean. I guess this should work now. Yeah, so let's submit it and see. Okay, perfect, so it's working so if you have any doubts or queries regarding this question then do drop a comment below i'll try to solve your queries i know it's a little difficult to grasp and honestly it took me also a lot of time to understand what's happening behind the scenes um, but uh, yeah um, I, think, I guess that's about it also i'm doing this whole june lead coding challenge and you can see the playlist in the i button above so do check it out if you want to see some of the solutions of week one and week two and apart from that, uh, many of you are not subscribing. It's like almost 87% people are not subscribing. So if you can subscribe then it will definitely help me grow. Also if you didn't like this video you can drop a dislike also. Um so yeah, thank you.